हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल को फील करेंगे और मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को भी फील करेंगे, ताकि ये स्ट्रक्चर आपकी नज़रों के सामने एकदम बैठ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, राइट। तो ध्यान से समझो कि जो इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो प्लस माइनस को क्या मान लेते हैं कि ये चार्ज है, राइट। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या मान लेते हैं कि प्लस माइनस जो है वो चार्ज है। यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस आपको क्या बता रहा है कि फेज उसका कैसा है, और मैं उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करूँ तो उसका नेचर कैसा है, राइट। तो जहाँ पे अगर प्लस के सामने प्लस आ रहा है, मतलब सेम फेज वाले हैं, डैट मीन सेम नेचर वाले हैं, और सेम नेचर वाले के बीच बॉन्डिंग होगी, राइट। डे टू डे लाइफ में यही होता है, अगर दो लोगों का नेचर मिलेगा तो डेफिनेटली फ्रेंडशिप उसकी अच्छी होती है, राइट। तो कहीं पे भी प्लस के सामने प्लस आ रहा है या माइनस के सामने माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज है रिपेल हो जाएंगे, ये चार्ज नहीं है, ये नेचर को बता रहा है। सेम नेचर वाले हो गए तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, और अगर प्लस के सामने माइनस आ रहा है या माइनस के सामने प्लस आ रहा है, तो डैट मीन्स ये अपोजिट फेज वाले हो गए, अपोजिट नेचर वाले हो गए, तो इनके बीच कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस केस में बॉन्डिंग होगी और इस केस में बॉन्डिंग नहीं होगी, बात समझ में आई। तो प्लस माइनस जहाँ भी, ये जितने भी डायग्राम में मैंने प्लस माइनस दिखा रखा है, उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये फेज या नेचर को बता रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यू नो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, राइट। तो ये एस और दूसरा एस अगर आमने सामने में आएंगे, तो ध्यान से देखो प्लस के सामने प्लस आ रहा है, डैट मीन्स सेम फेज वाले हो गए। बच्चे इसको कैसे कर लेते हैं, प्लस प्लस रिपेल हो जाएंगे, वो कंसेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पे ये साइन क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर को, सेम नेचर वाले बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, मैंने ओवरलैप करा दिया, बॉन्डिंग हो गई। और कभी भी एसएस जब भी ओवरलैप करेंगे तो ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसको आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, दो क्रिकेट बॉल जब आमने सामने आएंगे, राइट, तो ओवरलैपिंग अगर होगी तो एक ही जगह से ओवरलैपिंग होगी, जब एक ही जगह पे ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड, दो जगह पे ओवरलैप होंगे तो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एसएस ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये ओवरलैप क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम फेज के हैं। तो इसलिए इस ऑर्बिटल को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे से BMO लिखूंगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सिमिलरली ध्यान से देखो, ये भी एसएस ही है, राइट, बट यहाँ पे माइनस है और इसके सामने कौन आ रहा है, प्लस। तो माइनस के सामने प्लस मतलब अपोजिट नेचर वाले, बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, डैट मीन्स ओवरलैप नहीं हुआ। तो ऐसे ऑर्बिटल को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ओके। सिमिलरली अगर पी और पी ओवरलैप करते हैं, तो आमने सामने की टक्कर होगी, तो एक जगह पे ओवरलैप हुआ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, राइट। और क्यों हुआ, क्योंकि प्लस के सामने क्या आ रहा है, प्लस, तो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। सिमिलरली अगर प्लस के सामने देखो माइनस, मतलब अपोजिट नेचर वाले हो गए, तो रिपेल कर जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। रिपेल करने का मतलब क्या है, मेरा सेंस यहाँ पे अगेन कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, अपोजिट नेचर के, इसलिए वो दूर भागेंगे, राइट। सिमिलरली अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो, तो यू नो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस आ रहा है, तो दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, ध्यान से देखो, दो जगह से ओवरलैप हो रहा है, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। और अगर देखो प्लस के सामने यहाँ पे माइनस कर देता हूँ मैं, और माइनस के सामने यहाँ प्लस, तो ये अपोजिट नेचर के हो गए, राइट, अपोजिट नेचर के हो गए, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सब रिपेल करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो प्रॉपर एक फील आपको आ जाना चाहिए, आप ध्यान से देख लो, अगर एसएस सेम फेज में है तो ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा ही ऑलवेज बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर अपोजिट फेज में, अपोजिट नेचर में, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलेंगे। पीपी सेम फेज में है और आमने सामने की एक्सियल अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड बनेगा, अपोजिट फेज या अपोजिट नेचर के हैं तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से फील हो जाना चाहिए। अब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसको अच्छे समझना, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है, तो यू नो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s की होती है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की होती है, राइट, ये सब जानते हैं, इसलिए 1s
फिर 2s, 2p एंड सो ऑन आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के समझाने की कोशिश की आपको। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, नाइट्रोजन का एक एटम इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का दूसरा एटम तो इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s जब ओवरलैप करेंगे तो अगर बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग नहीं होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है, ध्यान से देखो मैंने लिख दिया है, जो रेड कलर से हमने शो किया हुआ है वो सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ध्यान से देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये दोनों ही एंटी बॉन्डिंग है। जो ब्लू कलर से हमने शो किया है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी है और ये दोनों है, राइट। ब्लैक कलर से जो हमने दिखाया वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो ब्लैक वाले हैं ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, उसमें एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, अगर 1s 1s करेगा 2s 2s में भी एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 3 बॉन्डिंग के होंगे 3 एंटी बॉन्डिंग के। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होगा तो आपको इस टाइप से डायग्राम दिखाना है। और उसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, देखो 21 21, 14 7 से डिविजिबल है, 7 2 14, 7 3 21, 21 21 21 का कहना मतलब क्या है, पहले नीचे में दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर दो ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल। डैट मीन्स जब पीपी का आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2 1 2 1, मतलब पाई वाले दोनों नीचे, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार वाले, फिर सिग्मा, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे करेंगे सर, जैसे O2 में, तो 14 से जब ज़्यादा होगा तो सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेज आएगा, यहाँ पे चेंज जाएगा, तो आप कैसे करेंगे 1 2 2 1, उसके लिए हमने क्या दिया 1 2 2 1, मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, पाई ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा, बाकी सारे डायग्राम वैसे ही रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, 1s 2s वाला वैसा ही रहेगा, सिर्फ 2p वाले में चेंजे जाएंगे, पाई वाला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होता है तो। इसलिए O2 में ये डायग्राम ना दिखा करके इसको ऊपर करना और इसको नीचे करना है, बस ऊपर वाला वैसा ही रहेगा, ध्यान दें ऊपर वाले में कोई चेंजेज नहीं है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी दिखाया है कि अगर O2 होता तो कैसा बनाते, देखो 1 नीचे है और फिर 2 पाई वाले ऊपर है, और ऊपर में जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो एज इट इज हैं, पहले पाई फिर सिग्मा, ओके। सिमिलरली इस पे बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकता है, तो आप देख सकते हो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s स्टार की। जितना भी स्टार ड्रॉ किया हुआ है वो सब आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसके बाद कौन है, सिग्मा 2s, फिर कौन है, सिग्मा 2s स्टार, फिर अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं तो क्या आ जाएगा, पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम, इसलिए इक्वल साइन, दोनों की एनर्जी सेम, सेम लेवल पे है। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी सेम, सेम एनर्जी लेवल पे है, और फिर उसके बाद लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार। अगर O2 का होता है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला का होता है तो चेंजेस कहाँ पे आते हैं, ये तो आपका वैसा ही रहता है एज इट इज, यहाँ पे चेंज आते हैं, इसको आपको क्या करना था, पहले लाना था और इसको क्या करते आप बाद में ले आते, बस इसमें इंटरचेंज होता, डेट्स इट, बाकी सब वैसा ही रहता। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिट करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं नंबरिंग कर करके लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है। ध्यान से देखो, जितना भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको काउंट कर लोगे और कैसे भरोगे, देखो पहला इलेक्ट्रॉन आपका यहीं आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपको यहीं भरना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन भी आपको इसी में भरना है, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन भी यहीं भरना है, ये जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग है, फिर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां होगा तो यहीं पे, 9 होगा तो यहाँ पे, 10 होगा तो यहाँ पे, राइट। पहले सिंगल सिंगल बनना है, फिर पेयरिंग करना है, फिर अच्छा 9 10 में इधर 9 भरो इधर 10 भरो वो चलेगा, राइट। फिर 11th तो इसी में आएगा 11th,
आप इसमें भरो या इसमें भरो चलेगा, फिर ट्वेल्थ यहाँ आएगा, फिर थर्टीन यहाँ पे, फिर फोर्टीन यहाँ पे, फिर फिफ्टीन यहाँ पे, सिक्सटीन यहाँ पे, सेवनटीन यहाँ पे, एटीन यहाँ पे, नाइनटीन यहाँ पे और ट्वेंटी यहाँ पे। तो ये मैंने नंबर ही कर दिया आपको कि वन से ट्वेंटी आपको कैसे भरना है। अगर O2 होता तो क्या चेंजेज होता, तो यू नो O2 में ये वाले सेम, ये वाले सेम, सिर्फ ये वाला नीचे आता और ये वाला ऊपर चला जाता, तो क्या चेंजेज होते। 8 तक तो आप ऐसे भरते, 9, 10 में पहले आपका 9, 10 सिग्मा वाले में चला जाता, फिर 11, 12 आपका पाई वाले में जाता, फिर उसी में 13 और 14 आते और ऊपर में तो सेम रहता, फिर 15, 16, फिर 17, 18 और फिर ऊपर वाले में 19 एंड 20। अब मैं इस डायग्राम को सामने रखते हुए इस पे बेस कैसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे उसको भी मैं यहीं पे समझाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। C2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो देखो, C2 मतलब क्या हो गया, कार्बन, दो कार्बन, 6 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, जो 14 से कम है तो आपका स्प्लिटिंग ऐसा ही रहेगा। 12 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरेंगे, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक भर जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, उसके बाद ये बॉन्डिंग है। और ध्यान से देखो तो इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, पाई वाले में, सिग्मा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इसमें पूछा जाता है। तो इसमें पाई कितने हैं, 2, सिग्मा कितने हैं, 0, डेट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 2 होने की वजह से ये दोनों ही पाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि C2 इज द ओनली मॉलिक्यूल विच इज हैविंग बोथ बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड, देर इज नो सिग्मा बॉन्ड। और ये सब हम कहाँ बात कर रहे हैं, गैस फेज में, गैस फेज में C2 मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, और इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा और बोलेगा विच कंटेन ओनली पाई बॉन्ड, तो C2 इज द, अब इसको रटना नहीं है, आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। ये अगर डायग्राम आपके माइंड में है तो आप क्विकली बता सकते हो। सिमिलरली और क्या पूछा जा सकता है कि अगर N2 से N2 माइनस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, तो N2 से N2 माइनस मतलब 14, यहाँ पे 7 + 7 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, और यहाँ पे 14 में एक और आ गया तो 15। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, तो ध्यान से देखो, 14 कैसे भरोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भर गया यहाँ तक, 15 जो माइनस, तो कहाँ पे गया ये, पाई स्टार में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई स्टार कोई भी हो सकता है, 2px और पाई स्टार 2py। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, या मान लो कि N2 से N2 प्लस बनाया तो जो इलेक्ट्रॉन हटाया तो वो कहाँ से हटा, राइट। तो इस टाइप का कोई पूछ ले तो ये बस डायग्राम के थ्रू हो जाएगा और वेरी सिंपल है, ये याद रखना। सिमिलरली नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बोलेगा कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ N2 प्लस में, तो N2 प्लस का क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन 7 + 7 = 14 और 1 + मतलब 1 चला गया तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, आप ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक बनेंगे। बॉन्डिंग ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले में देखो 2 और 2, 4, राइट, और यहाँ पे 5, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में रेड वाले 2 और 2, 4, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4, राइट। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में मेंस में पूछे जा रहे हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, राइट, सिग्मा बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई बॉन्डिंग में कितने हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, इस टाइप का कुछ ही पूछ ले। क्यों, क्योंकि आपका डायग्राम ही आपके नज़र के सामने होगा तो आप कुछ भी इजीली बता सकते हो। एक और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Li2+ और Li2- में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे बच्चे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 0.5 और 0.5 आता है, अब बॉन्ड ऑर्डर सेम तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम कर देते हैं, तो ऐसे केस में कैसे चेक करेंगे, तो वो भी आपको यहीं से होगा। Li2+ का क्या मतलब हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन है और Li2- का 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक, और 7 कैसे बढ़ते, 6 और 7 यहाँ तक, राइट। तो ऑलवेज जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा
तो वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो इसलिए इसमें अगर मैं बात करूँ तो ए बी एम ओ में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें ए बी एम ओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कितने होते हैं, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 होते। तो चूंकि इसमें ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो लेस स्टेबल है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाता तो ये होता। तो आई होप आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि बस ये डायग्राम अगर अपने एक मरतबा अपने माइंड में बैठा लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये टफ क्वेश्चन माने जाते हैं लेकिन एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि डायग्राम अगर आपके सामने है तो कितना सिग्मा बनाया, कितना पाई बनाया, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो कहाँ जा रहा है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इजीली कर लेंगे। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, आप इसी तरह हमारी वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिए और हमसे सीखते रहिए। थैंक यू।